आज की खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात आम आदमी की कार यानी मारुति कार। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि चार पहियों की कार मारुति ने कैसे घर घर में अपनी जगह बनाई। ओए छोटे बस कर यार। पापा की करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। चैंपियन मारुति सुजुकी इंडिया मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार्स। देश की पहली आम कार मारुति 800 अब इतिहास बन जाएगी। वो कार जो कभी शहरों दर शहरों घर में स्टेटस सिंबल का प्रतीक बनी थी, छोटी कार होने के कारण अपना अलग लुक फील कराती रही। मिडिल क्लास फैमिली की फेवरेट कार अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। हिंदुस्तानी की पहली चाहत मारुति 800 ने 30 साल तक सबके दिलों पर राज किया। प्रदूषण के नए नियमों का हवाला देकर मारुति सुजुकी प्रबंधन ने देश की पहली पीपुल्स कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। कहा जाता है कि इस कार को लॉन्च करते वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरी इच्छा देश के आम लोगों तक अच्छी कार पहुंचाने की है। ऐसी कार जो न सिर्फ राष्ट्र निर्माण का हिस्सा हो बल्कि इसमें कोई खराबी भी न हो। मारुति 800 की लोकप्रियता का आलम यह है कि आज भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के पास मारुति 800 है। कार की लोकप्रियता इस बात से भी पता चलती है कि शुरुआती 10 साल तक इस कार के लिए महीनों की वेटिंग थी। 2003 में कंपनी हर महीने करीब 20,000 से ज्यादा मारुति 800 बाजार में बेच रही थी, लेकिन मांग थी जो कम होने का नाम नहीं लेती थी। अपनी लॉन्चिंग के बाद मारुति 800 इतनी सुपरहिट हुई कि 2004 तक बिक्री के लिहाज से इसके मुकाबले कोई कार खड़ी ही नहीं थी। वैसे मारुति सुजुकी प्रबंधन ने इसे बंद करने का फैसला तो महीनों पहले कर लिया था, पर मेंटेनेंस के लिए इसके पार्ट्स अभी सालों तक मिलते रहेंगे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीवी रमण के मुताबिक इस कार का उत्पादन जरूर बंद कर दिया गया है, पर इसके पार्ट्स वैसे के वैसे मिलते रहेंगे। इसके पीछे तर्क है कि जिन कारों को चरणबद्ध तरीके से कंपनी ने बाजार से हटाया है उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए यही नियम अपनाया गया है। हैदराबाद में नई हैचबैक कार सिलेरियो के लॉन्च के मौके पर रमण ने कहा कि पिछले 18 जनवरी को हमने मारुति 800 का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया है। मारुति सुजुकी ने घरेलू ऑटो इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली मारुति सुजुकी की बिक्री देश भर के 13 शहरों में अप्रैल 2010 से ही बंद कर दी गई थी। इनमें हैदराबाद, बेंगलुरु, कानपुर और पुणे जैसे शहर शामिल रहे। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते बस यही कहेंगे, अलविदा पीपल्स कार, और आप देखिए आखिर क्या रहा पीपल्स कार का इतिहास। नमस्कार। साल 1981 की मारुति। 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड MUL नाम से सरकारी कंपनी रजिस्टर हुई और इसके लिए सही भागीदार की तलाश शुरू हो गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। और नया मोड़ उस वक्त आया जब सुजुकी के एक वरिष्ठ निदेशक ने भारत यात्रा के दौरान एक पत्रिका में छपे दाईहात्सु और मारुति के संभावित अनुबंध के बारे में पढ़ा। सुजुकी को मारुति का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उसके इंजीनियरिंग विभाग को भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फरवरी 1982 में आखिरकार सुजुकी को भागीदार चुन लिया गया। 1983 की मारुति। 14 दिसंबर 1983 को पहली कार लोगों के सामने थी। इसकी कीमत 48,000 रुपए थी, लेकिन इसके प्रति लोगों का जुनून इतना था कि वो दुगनी कीमत पर भी इसे खरीदने के लिए तैयार थे। पहले ही 2 साल में मारुति 800 की बिक्री दुगनी हो गई। मारुति का बाजार पर एकाधिकार हो चुका था। मारुति 800 ने मध्यम वर्ग के भारतीयों का कार का सपना पूरा किया। ऑटो इंडस्ट्री की दिशा ही बदल गई। 1986 की मारुति। लॉन्च होने के मात्र 3 साल में मारुति 800 में बदलाव किए गए। बॉडी लुक बदल गया,
जिससे कंज्यूमर्स खुश थे कि उन्हें लेटेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। 1986 में लॉन्च हुई मारुति 800 के नए मॉडल में एयर कंडीशन कैबिन और म्यूजिक सिस्टम मौजूद था। मारुति 800 के इन बदलावों के साथ ही गाड़ी की कीमत लगभग 15,000 रुपए बढ़ा दी गई। साल 1997 की मारुति, 11 साल बाद कार फिर नए रूप में थी। इंटीरियर्स नए थे, रियर सस्पेंशन में सुधार किया गया, हेडलैम्प डिजाइन बदली गई, ग्रिल नए थे। 1997 मारुति के लिए सबसे सुनहरा समय था। देश की सड़कों पर दौड़ रही 10 में से 7 कारें मारुति की थीं। साल 2000 की मारुति, सख्त उत्सर्जन नियम लागू हुए, कार को उसी के अनुकूल ढाला गया, 5-speed गियरबॉक्स भी दिया गया। 2012 की मारुति, अक्टूबर 2012 में मारुति ऑल्टो 800 बाजार में आई। लॉन्च होने के करीब एक महीने बाद ही इस कंपनी ने 44,000 बुकिंग का नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें 3-cylinder इंजन लगा दिया गया जिसमें 5-speed गियरबॉक्स था। कंपनी के अनुसार इसकी माइलेज करीब 22 किलोमीटर प्रति लीटर बताई गई।